रही बात इसके पीएच लेवल की, तो इसका पीएच बिल्कुल परफेक्ट है, 5.5 है, जो कि हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आप इसको इजीली यूज कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है इन्फॉर्मेटिव, जो कि मैं हमेशा लेके आती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश पे। और सो आपका टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो, और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं आगे किस टाइप के वीडियोस बनाऊं और आपको किस किस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए। सो लेट्स गो। आज मैं बात करने वाली हूँ सैलिसिलिक फेस वॉश के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप पे है और मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, और आई थिंक अब तक का सबसे बेस्ट फेस वॉश है ये। बिकॉज अगर आपकी एक्ने एक्ने होते हैं या फिर आपकी पिंपल पॉन स्किन है और आप बहुत परेशान हैं और हमेशा एक फेस वॉश के लिए ढूंढते रहते हैं कि यार कौन सा फेस वॉश ढूंढूँ, कौन सा फेस वॉश यूज़ करूँ, तो आई थिंक आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आगे मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊँगी। सो जो ये है सैलिसिलिक फेस वॉश, ये है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मिंग फेस वॉश। नेचुरली जब देखा जाता है कि जब डॉक्टर फेस वॉश सजेस्ट करते हैं तो फोमिंग फेस वॉश कम सजेस्ट करते हैं, बट इट वर्क्स वेरी वेल। एंड इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है ऑरेंज और एक आता है पर्पल, और आपने दोनों के ही ऐड देखे होंगे और दोनों को ही बहुत बार देखा होगा जब आप गूगल करते हैं किसी टाइप में, तो ये दोनों ही। बट इनमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है इसकी परसेंटेज का, अगर आप बहुत न्यू है किसी फेस वॉश को यूज़ करने के लिए और अगर इसको पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आपको 1% वाला लेना है, बिकॉज 2% वाला आपकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेस्ट है ये, ऑयली स्किन के लिए तो परफेक्ट है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको ये 1% वाला ट्राई करना चाहिए। आई थिंक आपको इरिटेट नहीं करेगा, बिकॉज ये डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्टेड है, सो इसको ट्राई कर सकते हैं आप। तो अब बात आती है कि सैलिसिलिक एसिड करता क्या है जिसकी वजह से ये इतना हाइप पर है। सैलिसिलिक एसिड जो हमारे जो एक्टिव एक्ने होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसे कम करता है। और मार्केट के अंदर बहुत सारी सीरम्स और क्रीम्स देखी होंगी जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। सो अगर एक्ने की कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है तो उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड का नाम सबसे पहले आता है, तो ये प्योर सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश है, तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिए इसको। रही बात इसके पीएच लेवल की, तो इसका पीएच बिल्कुल परफेक्ट है, 5.5 है, जो कि हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते। आपको मेडिकल पे इजीली मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा, बाकी मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसके लिए। और जो इसका प्राइस है, अगर आप 1% वाला यूज़ करेंगे तो इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको वो पड़ेगा 399 का। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने हैं और आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको यूज़ करना है पर्पल वाला, बट आपको स्टार्टिंग इसी से ही करनी है। देन अगर आपकी स्किन धीरे धीरे यूज टू होने लग जाए तब आप पर्पल वाला यूज़ कर सकते हैं। एंड पर्पल वाले की प्राइस मैं बताती हूँ 435, एंड दोनों ही 60 ml हैं। सो अपनी चॉइस पे जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। एंड लास्ट वन इज कि जो हमारे जो एक्ने होते हैं वो अगर आपके फेस वॉश यूज़ करने से भी नहीं जा रहे हैं तो मे बी हो सकता है ये आपके हार्मोनल एक्ने हो या फिर आपके जो डाइट है या फिर उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा हो। परमानेंटली इसको ये रिमूव नहीं करता कि आप सोचोगे कि सिर्फ फेस वॉश से काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एंड अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और खुश रहिए। उसका कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ इसकी, ये कुछ फॉर्मिंग फेस वॉश है तो ऑब्वियसली फॉर्म में आएगा, बट ये बहुत ही, इसकी स्मेल थोड़ी हार्ड है बट इट वर्क्स वेरी वेल, मेरी स्किन पे तो बेस्ट है। सो आई होप सो आपकी स्किन पे भी बेस्ट जाए।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।